मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 9 तक संख्याओं को मूर्त रूप में गिनना। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक और अनेक में अंतर समझना, 9 तक संख्याओं को मूर्त रूप में गिनना। बच्चों देखो, ये मैंने अपने जादू के पिटारे यानी संपर्क स्मार्ट शाला किट से एक ब्लॉक निकाला है, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे यानी अनेक ब्लॉक हैं। जैसे हमारी नाक है, एक ही है ना पटर, किसी के पास दो नाक तो नहीं? नहीं दीदी, सबकी एक ही नाक होती है। सही कहा पटर, मुंह भी एक ही है, और आसमान में जो सूरज है वो भी एक है, रात में जो चांद निकलता है वो भी एक है, लेकिन चांद के साथ जो तारे होते हैं क्या वो भी एक हैं? वो तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, बहुत सारे यानी अनेक। जैसे आपके पास सिर तो एक ही है, लेकिन उस पर बाल हैं अनेक। समझे ना एक और अनेक का मतलब? अच्छा, हमें एक कितना होता है ये तो पता चल गया, एक समझ गए ना सब। जैसे ये देखो, मैंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया है। अब पटर, तुम अपनी एक उंगली उठाओ। ये मैंने एक उंगली उठा ली दीदी। बिल्कुल बढ़िया। अब जल्दी से एक बच्चा इधर आओ। शाबाश चटर। अब आकर बोर्ड पर एक काउंटर चिपकाओ। बिल्कुल सही, ये हो गया हमारा एक। ठीक, अब हमारे पास नाक, मुंह और सिर तो एक हैं, पर आंखें कितनी हैं? एक और एक। कान कितने हैं? एक और एक। और हाथ कितने हैं चटर? एक और एक। तो एक और एक को हम कहते हैं दो। क्या कहते हैं? दो कहते हैं। अब दो बच्चे मेरे पास आओ और बोर्ड पर एक एक काउंटर चिपका दो। बहुत बढ़िया। देखो, एक काउंटर इरा ने और एक मनन ने। एक और एक हो गए दो। अब सब बच्चे अपने दो हाथ ऊपर उठाएं। बिल्कुल सही। अब सब अपनी दो उंगलियां दिखाएं। शाबाश। अच्छा बच्चों, इस दो में अगर हम एक और बढ़ा दें तो हमारे पास जो संख्या बन जाती है इसे कहते हैं तीन। जैसे एक साइकिल में तो दो पहिए होते हैं ना, पर क्या पटर तुम बता सकती हो कि रिक्शे में कितने पहिए होते हैं? ध्यान से देखो, रिक्शे में दो पहिए पीछे और एक पहिया आगे। तो दो पहिए और एक पहिया मिलाकर हो गए तीन पहिए। दीदी, ऑटो में भी तो तीन ही पहिए होते हैं ना? बिल्कुल ठीक चटर। अब जरा सब अपनी तीन उंगलियां दिखाओ। हाँ, अब तीन बच्चे जल्दी से आकर बोर्ड पर तीन काउंटर लगाओ। चटर, क्या ये तीन काउंटर हैं? एक दो तीन। हाँ दीदी, तीन काउंटर हैं। अब पटर देखो, इस बिल्ली के कुल कितने पैर हैं? एक दो तीन और एक। बिल्कुल। तो जब हम संख्या तीन में एक और बढ़ा दें, तो
तो हमें जो संख्या मिलती है उसे कहते हैं चार। चटर, अब इस गाड़ी के पहिए को तो गिनो। एक, दो, तीन, चार। चार पहिए हैं। शाबाश, अब चार बच्चे आकर फटाफट बोर्ड पर चार काउंटर्स लगा दो। एक, दो, तीन, चार। बिल्कुल ठीक। अच्छा पटर, हमारे एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? एक, दो, तीन, चार और एक। बिल्कुल, तो चार के बाद आती है संख्या पांच, यानी हाथ में पांच उंगलियां होती हैं। चटर, तो क्या तुम बोर्ड पर पांच काउंटर्स लगा सकते हो? एक, दो, तीन, चार, पांच। अरे वाह चटर। अब देखो इस टेबल के साथ कितनी कुर्सियां हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच और एक। सही कहा। जानते हो जब संख्या पांच में एक और मिला दें तो संख्या छह मिलती है। ठीक, तो अब बोर्ड पर छह काउंटर्स लगाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ऐसे। चटर, क्या तुमने कभी इंद्रधनुष यानी रेनबो देखा है? हाँ दीदी। ये देखो प्यारा प्यारा सा इंद्रधनुष। ये तो बहुत रंगीन है दीदी। हाँ चलो देखें इसमें कितने रंग होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक। हाँ छह और एक यानी सात। तो इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, समझे? अब पटर, तुम बोर्ड पर सात काउंटर्स लगा दो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। चटर, क्या पटर ने सात काउंटर्स लगाए हैं? अरे नहीं पटर, तुमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह काउंटर्स लगाए हैं। ओहो, एक और काउंटर लगा दूंगी। हाँ अब हो गए सात काउंटर्स। अब यदि एक और काउंटर लगा दूं तो होंगे सात और एक और काउंटर। हाँ सात और एक यानी संख्या आठ। अब इस ऑक्टोपस के हाथ पैर तो गिनो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। बिल्कुल सही। ऐसे ही क्रम में एक और काउंटर लगा दें तो आठ और एक यानी नौ काउंटर हो जाएंगे। तो बच्चों सीख गए ना तुम नौ तक गिनती? चलो मेरे साथ गाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। बहुत सही। चटर पटर, अब जल्दी से बताओ कि कक्षा में कितने टेबल हैं? बस एक ही टेबल है। हाँ और पंखे कितने हैं? एक, दो, कुल दो पंखे हैं दीदी। बिल्कुल। और पटर, इस पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं?
हैं दीदी। शाबाश पटर। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें टॉफियां खानी पसंद हैं? हाँ दीदी, मुझे भी। देखो मेरे पास टॉफियों का ये पैकेट है, तो बताओ इसमें कितनी लाल टॉफियां हैं? एक दो तीन, तीन लाल टॉफियां हैं दीदी। अब पटर, अब तुम पीली टॉफियों की संख्या तो बताओ। एक दो तीन चार पाँच, पाँच पीली टॉफियां हैं। बिल्कुल ठीक। बच्चों आपने नौ तक संख्याओं को मूर्त रूप में गिनना समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।